ये बाइक बिल्कुल भी पिकअप नहीं दे रही है। वेलकम टू ले। पूरा चेकअप किया गाड़ी का भी ऑफ कोर्स। जल्दी वहां पे बैठो। मुंबई दूसरा गाड़ी था पीछे। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ले। ले पहुंचते के साथ दो तीन चीजें थी जिन्हें हमने किया। तो जी सबसे पहले पहुंचते के साथ बाइक का काम करवाया। हमें अपनी बाइक को करवाना है थोड़ा सा वॉश, क्योंकि बाइक बहुत गंदी हो गई है, और क्लच प्लेट्स चेक करवाने हैं। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस गाइस। बाइक चल रही है ना तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही, लेकिन अगर बाइक रुक जा रही है उसके बाद भाई साहब बहुत ख़तरनाक वाले गर्मी है। तो जी सबसे पहले लेते हैं सिम यार, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो जी दोस्तों जियो यहाँ पे चलता है अच्छे से, तो जी यहाँ से ले लिया हमने सिम। तो नेटवर्क का इशू यहाँ पे हो गया सॉल्व, हमने ले ली है सिम। जा रहे गाड़ी में थोड़ा सा कुछ चेकअप वगैरह करवाने के लिए। बाइक बिल्कुल भी पिकअप नहीं दे रही है। शोरूम यहाँ से दिखा रहा है 1.9 किलोमीटर पे। तो जी ये रहा बोर्ड, वेलकम टू ले। अभी जाएंगे हम इधर से मनाली वाले रोड पे। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं ले के रॉयल इनफील्ड शोरूम में। होपफुली भीड़ थोड़ा कम हो एंड अपना काम हो जाए। यार सनस्क्रीन नहीं लगाया है और धूप जो है ना बहुत ही तीखी है। मतलब बाइक चल रही है तब ठीक लग रहा है, लेकिन वैसे तो बहुत ही तीखी धूप है। तो जी यहाँ पे अपनी बाइक हो चुकी है रेडी, थोड़ा साफ सुथरा होकर के अच्छा लग रहा है बाइक। तो जी बाइक का काम करवा लिया हमने। आज के कुछ प्लान्स हैं, वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि कैसे कैसे किया जाए। सबसे पहले पहुँचते हैं होटल रूम एंड देन वी विल डिसाइड। आज हमें जाना है ले मोनास्ट्री, ले पैलेस और आसपास जो भी चीज़ें हैं उन्हें खोजेंगे, डिस्कवर करेंगे और विजिट करेंगे। बाइक तो बहुत हल्की हो गई यार अब। सो गाइज यहाँ से खारदुंगला 39 किलोमीटर्स, होंदर एंड तुरतुक 203 किलोमीटर्स। सो खारदुंगला इट्स लाइक वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, उसके ऊपर अब है उमलिंगला। तो जी सामने सामने चोटियों पे बर्फ नज़र आ रही है। तो पता नहीं नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन अभी एक फ्लाइट जो है ना वो टेक ऑफ कर रही है। अमेजिंग व्यू यार पहाड़ों के ऊपर से। और उसके बाद परमिट थी, उस पर काम किया। एक्सप्लोर करना आज हमें ले, तो उसके लिए तैयारी जोरों शोरों पे है। कैसा लग रहा है ले आकर के? अच्छा लग रहा है। और बाकी लोगों से भी मिलते हैं चलकर। चाय वाय रेडी हो गया है, चाय पियेंगे और निकल पड़ेंगे। यो चाय पियो, घंटा तैयार, चाय पियो गाइस। यहाँ पे चाय आ चुकी है हमारी और बाइक वाइक का काम हो गया आपका। बढ़िया चीज क्या है ना, यहाँ पे रॉयल इनफील्ड शोरूम में आप जाओगे उनका सपोर्ट है। दिल्ली टू ले करीब 500 के आसपास का पूरा चेकअप किया गाड़ी का, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो बिल में मेंशन है। तो जी वी आर ऑल सेट टू लीव आज एक्सप्लोरेशन के लिए। टाइम इज अराउंड 1। सुबह से बस आराम किया, आज दो तीन जगह है, प्लान शायद प्रशांत के पास हो। तो जी दोस्तों यहाँ पे हम अपने राइड के स्टिकर को चिपकाते हुए, तो ले के एक्सप्लोरेशन की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम सब निकल रहे हैं ले के आसपास के जो अट्रैक्शंस है उसे विजिट करने के लिए। बाय द वे ये था हमारा होटल रूम जहाँ कल हम रात को आए, पूरी थकावट थी वो मिट गई अब।
बिल्कुल तीखी धूप में हम आ चुके हैं रैंचोस कैफे में। ये शायद वही जगह है जहाँ पे थ्री इडियट की शूटिंग हुई है। अपोजिट में वो लोकेशन है जहाँ पे वो सुसुक करने के लिए एंड ही गेट्स अ शॉक। ए बैठो 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 जल्दी वहाँ पे बैठो। खतरनाक वाली तीखी धूप है यहाँ से, जल्दी निकलना होगा हमें। बहुत ही खतरनाक गर्मी है यहाँ पे। ऊपर से मैंने पहन लिया एक मोटा सा जैकेट। तो ऑलराइट गाइस, वी आर इनसाइड द थिक्से मोनेस्ट्री। यहाँ पे एंट्री के लिए पे करना पड़ गया 50 रुपीज। थोड़ा सा इंक्लाइन है, हमें क्लाइम करने में थोड़ी सी हो रही है थकावट क्योंकि कल रात ही हम आए हैं एंड सब सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं कि हमें एक्टिविटीज थोड़ा कम रखना चाहिए, लेकिन समय का थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है इसीलिए सोचा कि आसपास जो जगह है उन्हें कवर करना तो बनता है और जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। दिस इज द ब्यूटिफुल मोनेस्ट्री। यहाँ से व्यूज थोड़े ब्लॉक हो रहे हैं, थोड़ा आगे चलते हैं उसके बाद आपको दिखाएंगे। गाइस ये व्यू देखो यार, यहाँ से ब्यूटीफुल व्यू। तो जी अगर आप यहाँ आना चाह रहे हो और अगर आपको शौक है ड्रोन उड़ाने का तो उसके लिए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं 1500 रुपये। बाहर नो ड्रोन अलाउड लिखा हुआ है पर यू कैन पे 1500 रुपीज और आप ड्रोन शॉट का मजा ले सकते हो। और हम लोग के पास दो दो ड्रोन है। हाँ थोड़ा थोड़ा सा मोटा खर्चा हो जाएगा इसलिए हम लोग दूसरा का उठा कर चिप। हाँ थोड़ी सांस चढ़ रही है तो पानी लेकर के आते हैं पहले। तो पानी की बॉटल लेंगे यहाँ से, पानी पियेंगे हम और फिर ऊपर चलेंगे। धूप काफी तीखी हो गई है और मैंने ये बड़ा सा जैकेट भी डाल लिया। एक और दे देना, रेडबुल भी है क्या? मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर दे दो आप। थैंक यू। पानी की बॉटल्स ले ली हैं, एक मॉन्स्टर भी ले लिया, थोड़ा एनर्जी आएगी। तो जैसा कि बात करके पता चला कि जिस वक्त हम आए हैं ना ये एकदम पीक टाइम है जब यहाँ पे बहुत ही गर्मी रहती है। एक चीज ये है कि अगर आप छांव में हो ना तो ठंड लग रही है लेकिन गर्मी तो है भाई। Here is one prayer wheel। अच्छी खासी ट्रैक हो गई यार। तो जी बस ऑलमोस्ट देयर। ये पीछे देखो मेरी मोनेस्ट्री नज़र आ रही है और सांस जो है ना बहुत ज़्यादा चढ़ रही है, बहुत ही ज़्यादा सांस चढ़ रही है यहाँ पे। अंदर शूट करना अच्छा नहीं लगा लेकिन 2 मिनट बैठ करके मेडिटेट करने में बहुत अच्छा लगा और उसके बाद एंड फ्रॉम टॉप ऑफ द मोनेस्ट्री द व्यू वाज अमेजिंग। और मेरे इस ओर है ना मैत्रेय बुद्ध मोनेस्ट्री है। दिस इज द मैत्रेय टेंपल। यहाँ पे हमने देख लिया ये मोनेस्ट्री, इट वाज अमेजिंग। व्यूज जो है ना मतलब नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। चलते हैं कुछ खाते वाते हैं, बहुत भूख लग रही है।